नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राजगीर में मलमास मेले का पहला शाही स्नान आज। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में 75% उपस्थिति अनिवार्य। मुहर्रम के अवसर पर सीएम नीतीश ने की सद्भावना एवं भाईचारे की अपील। शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा प्रमाण पत्र। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजगीर में मलमास मेले का पहला शाही स्नान आज। आज यानी कि 29 जुलाई को राजगीर में मलमास मेले का पहला शाही स्नान किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। मालूम हो कि आज शाही स्नान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई, जो कि 10:30 बजे तक चली। इस मौके पर आध्यात्मिक नगरी राजगीर के विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों और महंतों द्वारा शाही शोभा यात्रा निकाली गयी। बता दें कि इस दौरान सबसे पहले संत समुदाय के लोगों ने नानक शीतल कुंड और सरस्वती नदी कुंड में डुबकी लगाई और फिर सतधारा और ब्रह्म कुंड में शाही स्नान किया। मालूम हो कि इस दौरान अलग अलग अखाड़ों द्वारा आज शोभा यात्रा निकाली गई। राजगीर मलमास मेला के पहले शाही स्नान को लेकर शुक्रवार की मध्य रात्रि के बाद से ही राजगीर ब्रह्म व अन्य कुंडों में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं और साधु संतों की भारी भीड़ उमड़ी। रात्रि के 1 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई गई। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में 75% उपस्थिति अनिवार्य। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब वही छात्र मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिनकी कक्षा में 75% उपस्थिति होगी। बता दें कि इस संबंध में बिहार बोर्ड के द्वारा सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रीय उप निदेशक, जिला शिक्षा कार्यालय और प्राचार्य को जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि पहले बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों की उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य नहीं थी। पहले उन्हें केवल सेंटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होता था, लेकिन अब बोर्ड की ओर से नियम को बदलते हुए 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि CBSE और ICSE बोर्ड में यह नियम पहले से तय किया जा चुका है। मुहर्रम के अवसर पर सीएम नीतीश ने की सद्भावना एवं भाईचारे की अपील। आज इस्लाम के पवित्र माह मुहर्रम की 10वीं तारीख है। आज के दिन को रोज ए आसुरा भी कहा जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन क्रूर शासक यजीद से करबला की जंग में शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए इस दिन मुस्लिम सिया समुदाय के लोग सड़कों पर मातम जुलूस और ताजिया निकालते हैं। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर लोगों से सद्भावना एवं भाईचारे की अपील की गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों एवं हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन। राज्यवासियों से अपील है कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाएं तथा आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ इसे मनाएं। बिहार में पहली बार बिजली वितरण कंपनी मुनाफे में। बिहार में पहली बार बिजली वितरण कंपनी मुनाफे में गई है। दरअसल ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में कार्यरत दोनों वितरण कंपनी में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 17,982.26 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की आय से 42% अधिक है। वहीं इस वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 17,559.59 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के कुल खर्च से मात्र 25% अधिक है। इस तरह बेहतर राजस्व वसूली एवं समानुपातिक रूप से अन्य मदों के व्यय में कमी लाते हुए साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 422.68 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। मालूम हो कि संजीव हंस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह उपलब्धि पहली बार प्राप्त की गई है। शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए होगी इंजीनियरों की नियुक्ति। शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना की आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए तत्काल 100 अभियंता नियुक्त किया जाएगा। उन्हें आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। बता दें कि इंजीनियर मुहैया कराने वाले एजेंसी का चयन कर लिया गया है और साथ ही उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया गया है। बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम में भी अभियंताओं की नियुक्ति की जानी है। यानी कि अगले कुछ दिनों में BEP और BSE IDC में 683 इंजीनियर्स नियुक्त किए जाने हैं। इसके अलावा 10 प्रबंधकीय और अकाउंट संबंधी पद भी शामिल है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा विशेष रूप से शौचालय निर्माण को एक अभियान के रूप में पूरा किया जाए। ऐसे में विभाग के प्रशासन निदेशक सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम और राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग के जरिए अभियंताओं की सेवा लेने को निर्देश दिया गया है। बाघ दिवस के मौके पर पटना जू में दर्शक ने किया काला तेंदुआ का दीदार।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ऐसे में इस मौके पर आज बिहार की राजधानी पटना में स्थित जू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में दर्शकों के दीदार के लिए काले तेंदुओं को बाहर निकाला, जिसका नामकरण पिछले महीने तेज प्रताप यादव के द्वारा ही बघीरा रखा गया था। मालूम हो कि इस काले तेंदुए को वन्य प्राणी अदला बदली कार्यक्रम के तहत गुवाहाटी जू से पटना जू में लाया गया था, लेकिन अब तक यह जानवर क्वारंटाइन में था। ऐसे में आज तेज प्रताप यादव के द्वारा इसे लोगों के दीदार के लिए बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि इस दौरान तेज प्रताप यादव साइकिल पर सवार होकर पटना जू पहुंचे थे। बिहार में बढ़ रहा वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित की संख्या। बिहार में वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मालूम हो कि ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पतालों में आने वाले एक तिहाई मरीज इस संक्रमण से पीड़ित हैं। ऐसे में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने को आदेश दिया गया है। इसके साथ ही विभाग की ओर से अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह मरीजों की संख्या उपलब्ध करवाएं, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। बता दें कि राज्य के जिन जिलों में इस वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, वैशाली, सिवान, कैमूर समेत कई जिले शामिल है। इस संक्रमण के दौरान मरीजों की आंखें लाल रहती है और सूजन हो जाते हैं। वहीं कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके आंखों में खून के थक्के भी जमे दिखाई देते। हालांकि इस बीमारी से उपचार के लिए मरीजों को चिकित्सक के द्वारा आई ड्रॉप दिए जा रहे हैं। 4 वर्षीय बीएड कोर्स में खाली सीटों पर ऑन स्पॉट नामांकन के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन लेने के लिए ऑन स्पॉट राउंड प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी 31 जुलाई तक अपना नामांकन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी CET-INT-BED की वेबसाइट www.biharcetintbed-lnmu.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं नामांकन करने के दौरान अगर अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 7314-629842 या 943104169 और ईमेल आईडी helpdesk.cetintbed2023@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि अभ्यर्थी रिक्त सीटों की संख्या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पिकअप पर लदी 1300 लीटर विदेशी शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां पुलिस के द्वारा नगर थाने के बनारस बैंक चौक के समीप शराब से लदी पिकअप को जब्त किया गया है। बता दें कि इस मामले में चंदवारा सोडा गोदाम के विकास कुमार, छिंड भगवतीपुर के राजन कुमार, गोला बांध रोड के राजू कुमार, पंकज मार्केट के लखन महतो उर्फ मनीष, सिकंदरपुर मुक्ति धाम के बिकी कुमार, सिकंदरपुर कुंडल के गांधी बाबा राहुल कुमार, मनिका विष्णुपुर चांद के गुसन गु कुमार और जब्त पिकअप चालक और मालिक को आरोपित किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा प्रमाण पत्र। जब से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक के हाथों में गई है, तब से कई बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। वहीं अब उनकी नजर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर गई है, जिनसे सटकर शिक्षक अपनी प्रतिनियुक्ति करा लेते थे, ताकि वे स्कूल जाने से बच सके और इससे बीईओ की भी कमाई हो जाती थी। इसी को देखते हुए अब के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र की मांग की गई है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वह 31 जुलाई तक सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के प्रमाण पत्र लेकर उसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपे। राज्य के 85% MBBS सीटों पर दाखिले की रजिस्ट्रेशन डेट जारी। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद यानी कि BCECEB के द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 85% सीटों पर नामांकन लेने के लिए पंजीयन की तिथि जारी कर दी गई है, जिसके तहत छात्र 4 अगस्त के रात्रि 10 बजे तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन फीस जमा करने का समय 4 अगस्त के रात 11:59 तक का समय निर्धारित किया गया और इसके साथ ही आवेदन में सुधार करने का समय 5 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। बता दें कि नामांकन के बाद BCECEB के द्वारा मेधा सूची 7 अगस्त को जारी की जाएगी और 9 अगस्त से नामांकन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेपी नड्डा ने घोषित की अपनी नई कमेटी, इन्हें मिली छुट्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा
13 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 1 सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष के साथ नए केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार केंद्रीय पदाधिकारियों में से बीजेपी की ओर से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को उपाध्यक्ष पद से छुट्टी दे दी गई है, जिससे कि चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि इस बार बिहार से किसी नेता को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। वहीं बिहार से राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी एक बार फिर से ऋतुराज सिन्हा को ही सौंपी गई है। मालूम हो कि पिछली कमेटी में भी ऋतुराज सिन्हा को ही राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एम्बुलेंस और ट्रामा सेंटर को लेकर तेजस्वी यादव ने लिया बड़ा फैसला। हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी दुर्घटना के दौरान मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाते, क्योंकि कई बार घटनास्थल और अस्पताल की दूरी अधिक होती है। ऐसे में मरीज की जान भी चली जाती है। वहीं अब इन परेशानियों को लेकर बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब राज्य में प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही प्रति 100 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रामा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो कि मल्टीपल फ्रैक्चर के इलाज के साथ दूसरे गंभीर मामले में जीवन रक्षक उपकरणों से लैस रहेंगे। बता दें कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मणिपुर का हालात जाने रवाना हुए जेडीयू और आरजेडी के सांसद। आज यानी कि शनिवार को इंडिया में शामिल राजनीतिक दल जेडीयू और आरजेडी के सांसद हिंसाग्रस्त मणिपुर की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए मणिपुर पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा कहा गया कि मणिपुर में लोगों से मिलकर स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। राज्य कई महीने से जल रहा है, वहां शांति बहाल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को छोड़कर सभी मुद्दों पर बोल रहे हैं। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा कहा गया कि मणिपुर को सुनने की जरूरत है और ऐसे में हम उनकी स्थिति को सुने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यह हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी सांसद 2 दिनों के लिए मणिपुर में रहेंगे और वहां की स्थिति जानेंगे। इस दौरान वे उन लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने हिंसा में अपना कुछ खोया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज यानी कि 29 जुलाई को बारबाडोस में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाना है। वहीं टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि वनडे सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया के द्वारा जीतते हुए 1-0 की बढ़त बना ली गई है। ऐसे में आज होने वाले इस दूसरे मैच को जीत कर टीम इंडिया इस सीरीज पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश करेगी। वहीं वेस्टइंडीज आज के इस मैच में कमबैक के इरादे से मैदान पर उतरेगी। बता दें कि इस मैच में संभवतः शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। वहीं विराट कोहली तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही तेज गेंदबाज उमरान मलिक भी दूसरे वनडे का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव भी दूसरे वनडे में खेल सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, उमेश सिसदेव, पंकज कुमार यादव, रोशनी खातून, अजीत प्रभाकर, रवि कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, अंशुप्रिया, विनोद कुमार मांझी, ऋषि ठाकुर, मुट्टू रंगीला, सदुल्लाह पलवी, ज्योति पासु, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।